महाविकास आघाड़ी की सरकार के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस कहते थे, केंद्र सरकार ने जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया है उसी तरह राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करे तो पेट्रोल व डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो फिर अब राज्य में डबल इंजन की सरकार है, पेट्रोल और डीजल के दाम 10 और 20 रुपयों से कम क्यों नहीं किए गए? ऐसा सवाल कांग्रेस के अतुल लोंडे द्वारा किया गया है। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे, जिस तरह से केंद्र ने डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं उसी तरह से अगर राज्य सरकार करे तो 10 रुपये और 20 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं। तो देवेंद्र जी, फिर तो आज आपकी सरकार है, आप खुद सरकार में हो, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से पूरा सपोर्ट है आपको मोदी जी का आपके कहे मुताबिक, तो फिर तकलीफ किस बात की है? आज 10 रुपये 20 रुपये क्यों कम नहीं हुआ? आज 5 रुपये और 3 रुपये क्यों कम हुआ? यही बात बताती है कि आप जब विपक्ष में होते हो तो आपकी कथनी करनी अलग होती है और जब आप सरकार में आते हो तो आपकी कथनी करनी अलग होती है। आपको महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है।